नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं ऋतिक। कृणाल पांडे अपनी फ्रेंचाइजी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बल्ले से भले ही अच्छे तरीके से योगदान ना दे पाए हों, लेकिन गेंदबाजी से उन्होंने खासा अच्छा प्रदर्शन किया है और काफ़ी इंटेंट दिखाया है। बात करें अगर हम पिछले मैच की, जो लखनऊ सुपर जायंट्स का हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच था सोमवार को, उसमें उन्होंने 4 ओवर में दो महत्वपूर्ण विकेटें चटकाईं 27 रन देकर। एक विकेट उन्होंने राहुल त्रिपाठी का चटकाया, वो भी महत्वपूर्ण था। दूसरा विकेट उन्होंने चटकाया इडन माकरम का, जो वो भी महत्वपूर्ण था। तो अगर बात करें अभी तक की आईपीएल 2022 की, तो कृणाल पांडे ने 3 मैचों में 3 विकेट चटकाई हैं और इकोनॉमी रहा उनका 7.27 का। और अगर हम फिर से चले पिछले मैच की तरफ, तो मैच खत्म होने के बाद कृणाल पांडे से काफ़ी सवाल पूछे गए। एक सवाल उनसे ये पूछा गया कि क्या आपने बॉलिंग में कुछ चेंज किया है, तो कृणाल पांडे ने कहा कि मैंने बॉल को ज़्यादा स्पिन देने के लिए और बाउंस देने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर कलाई में काफ़ी चेंज करा है। मेरा वैसे तो पूरा एक्शन सेम है, मैं आपको अपने तरीके से बताऊँ तो कृणाल पांडे पहले बॉल को आगे पिच करते थे, जिससे बैट्समैन को खेलने में आसानी होती थी और बॉल को हवा कम देते थे और स्पीड ज़्यादा रखते थे, जिसकी वजह से बैट्समैन उनकी गेंद पर ड्राइव अच्छे से लगा पाता था और अच्छे तरीके से पिच तक पहुंच जाता था। लेकिन जो कृणाल पांडे ने हाल ही में अपने एक्शन में बदलाव किया है, वो है कि बॉल को हवा देते हैं, यानी बॉल को फ्लाइट देते हैं, जिसकी वजह से बॉल को थोड़ा अपनी तरफ खींचते हैं कृणाल पांड्या, काफ़ी गुड लेंथ पर पिच करते हैं, जिसकी वजह से हमने देखने को मिला पिछले मैच में जो राहुल त्रिपाठी और इडन माकरम को उन्होंने गुड लेंथ पर पिच करी, बॉल को काफ़ी हवा दी थी, जिसकी वजह से बैट्समैन डबल माइंड हो जाता है कि मैं पूरी तरीके से आगे खेलूं या उस बॉल को पीछे खेलूं। इस वजह से बैट्समैन डबल माइंड होकर अपनी विकेट गवा देता है। कृणाल पांड्या से आगे बात करते हुए कृणाल पांड्या ने आगे कहा कि मैं इस टीम के साथ जुड़कर काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, काफ़ी फ्रेश फील कर रहा हूँ। मुंबई इंडियंस के साथ मेरी काफ़ी अच्छी यादें जुड़ी हैं, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जब से मैं जुड़ा हूँ तब से मेरा एक्साइटमेंट लेवल ही काफ़ी बढ़ गया है। हार्दिक और मैं जब मुंबई इंडियंस के खेलते थे तब भी काफ़ी एक्साइटमेंट हमें होता था, लेकिन जब से मैं जुड़ा हूँ लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मुझे काफ़ी एक्साइटेड फील होता है। हर मैच से पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली बार आईपीएल खेल रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं डेब्यू कर रहा हूँ किसी भी टीम के लिए, और जब भी मैं प्रैक्टिस करने उतरता हूँ लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए तब भी मुझे इतना काफ़ी फ्रेश फील होता है और एक्साइटेड फील होता है। तो आप कितने सहमत हैं कृणाल पांड्या के बातों से कि वो किस तरीके का फील कर रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स में? उन्होंने ऐसा कहा कि मैं काफ़ी फ्रेश फील कर रहा हूँ और ऐसा लगता है कि मेरा आईपीएल में डेब्यू हुआ है, और अगली बार आप भी कृणाल पांड्या के एक्शन में बदलाव देखना ना भूलें। आपको कैसे वीडियो लगा इस इन्फॉर्मेशन को कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसे ही इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।